भारत माता की वंदे वंदे वंदे। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू हैं। सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल डी न्यूज़ से। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि मैं आज उस खबर से रूबरू करा रहा हूं जो वाकई एक नगर में एक मिसाल बनी हुई है, एक चर्चा का विषय है। क्योंकि एक छत के नीचे इतने सारे राजनेताओं का, व्यापारियों का इकट्ठा होना बड़ी बात है। वो कार्य मेरे बराबर में बैठे हुए राजू अग्रवाल जी ने संभव किया है, जिसकी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे की टेंशन रहती है, वहां लोग नहीं पहुंच पाते। लेकिन राजू अग्रवाल जी जो मेरे बराबर में बैठे हुए रचित केवल नेटवर्क के नाम से एक प्रबंधक हैं उसके, उन्होंने उस चीज़ को वाकई कामयाब करा है। अभी हाल ही में नगर निकाय चुनाव हुआ था जिसमें हमारे आज जनपद के वैश्य समाज के जो लोग जीत के आए थे और अन्य समाज से जो जीत के आए थे सभी को सम्मानित करा था। ऐसे ही सभासद में जो जीत के आए सभी को सम्मानित, और नगर के उन गणमान्य व्यक्तियों को भी सम्मान दिया जो वाकई उस सम्मान के हकदार थे। मेरे साथ पूछे बैठे हुए बराबर में, और मैं पूछूंगा ये प्रेरणा उन्हें कहाँ से जगी और वाकई जो ये कार्यक्रम था इसकी तैयारियां पहले से थी या अचानक एक तैयारी हो गई थी। तो चलिए मेरे साथ में उन्हीं से आपको अब रूबरू करा। तो मेरे साथ बराबर में बैठे हैं राजू अग्रवाल जी। पहले तो हम अपने कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं इस्तकबाल में। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो एक आपने ये कार्यक्रम कराया है, अनूठी मिसाल बनाई है नगर में, ये तैयारियां कैसे थी और क्या मकसद है इस तैयारी का? धन्यवाद नाजिम भाई, बड़ी खुशी का विषय है कि अब की बार बुलंदशहर में हमारे अग्रवाल समाज के काफ़ी लोग जीते हैं और उसमें से हमारे कई रिश्तेदार हैं। बड़ा मन को प्रसन्नता हो रही थी कि अब हमारे रिश्तेदार जीते हैं, उनको घर पर बुला करके उनका एक सम्मान किया जाए, जिसमें कि दीप्ति मित्तल हमारी सलज हैं, ब्रजेश गोयल जी हमारी बहनोई हैं और माननीय अरुण सिंगल जी डिवाइस हमारे समझे के मित्र हैं। मन में ये आवाज़ हुआ कि भाई इन लोगों को छत के नीचे बुला करके इनका सम्मान समाज के लोगों के द्वारा किया जाए। महाराजा गर्दन सेवा समिति के द्वारा इन लोगों को सभी को सम्मानित किया गया और हमारे जो समाज के वरिष्ठ चिकित्सक हैं जो दिनरात हमारे समाज की निस्वार्थ पूरे समाज की सेवा करते हैं, केवल एक ही समाज के नहीं पूरे समाज के, बहुत दिन से मन में आवाज़ था कि इन लोगों को भी हम सम्मानित करें, इनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। रही प्रेरणा की बात, हम तो सब पारिवारिक लोग हैं और हमें बुजुर्गों से ही प्रेरणा मिलती है, पहले से मिलती आई है। पॉलिटेक्निक हम लोग हैं नहीं, हम तो केवल एक समाज सेवी हैं, हमें ना कोई पॉलिटिक्स करनी है ना आगे करनी ना आजकल, हमें तो समाज सेवा करनी है। और बड़ा मन प्रसन्नता होती है जब हमारे समाज के सारे लोग इकट्ठे होते हैं, और हमारे यहाँ कोई देशभाव नहीं था, आपस में चाहे किसी की कितनी भी टेंशन सही हमारे एक ही बुलावे पर सारे लोग आए, क्योंकि हम लोग विवादित नहीं है, इसलिए हमारे घर पर सब लोग आए। अच्छा, हम देख रहे थे कार्यक्रम में बड़े समाज से जुड़े हुए लोग या राजनीतिक से जुड़े हुए लोग, बड़ी चर्चाएं चल रही थी कि राजू कवाड़ी का जो ये कार्यक्रम है, राजू कवाड़ी कहते हैं आपको, मैं बता दूं आपको दर्शकों को, तो बड़ी चर्चाएं थी कि वाकई जो कार्यक्रम है एक ऐसा सफल कार्यक्रम आपने बनाया, तो ये प्लानिंग पहले से थी या अचानक? नहीं, अचानक ही, बस केवल 5 दिन पहले एक मन में आवाज़ हुआ कि सभी लोगों को बुलाकर सम्मानित किया जाए, इनको प्रोत्साहन दिया जाए, इन लोगों को पहले से था। अच्छा, राजनीतिक विशेष लोगों का अपने कार्यक्रम में सम्मान करा, नगर के विशेष जो बुजुर्गवार हैं और जो सीनियर सिटीजन रखते हैं और नगर राजनीति में थोड़ा हिस्सा रखते हैं उनका भी एक सम्मान आपने किया, तो ये अग्रवाल समिति के द्वारा जो आपने कार्यक्रम किया, इस कार्यक्रम को हम क्या कह सकते हैं? और सभी लोगों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं ऐसे ऐसे छोटे प्रोग्राम करते रहें, इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है और समाज सेवा करने की और ज़्यादा अवसर मिलता है। मैं लोगों को यही जो है कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग, तो ये मेरे साथ राजू कवाड़ी राजू अग्रवाल जी, उन्होंने बताया कि इस तरीके के कार्यक्रमों से एक संदेश जाता है, मतलब संदेश जाता है हमारी एकजुटता और एक भाईचारे को बनाए रखें, जिससे कि इस तरीके के जो प्रोग्राम मेरे द्वारा या अन्य द्वारा होते हैं वो एक नगर में एक समाज में एक मिसाल बनते हैं। तो चलिए, युवा पीढ़ी भी इस चीज़ को देखती है, उन लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है कि ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, युवा पीढ़ी भी इस चीज़ से प्रोत्साहित होती है कि हमारे बुजुर्ग इतनी समाज सेवा कर रहे हैं तो हमें भी करें, हम भी करें आगे चल करके, युवा बड़ी प्रेरित हो जाए चीज से, वो देखती है चीज को। ये एक बड़ा संदेश है क्योंकि युवाओं से जुड़ा संदेश राजू जी ने दिया है, उन्होंने बताया कि वाकई अगर मेरे द्वारा जो कार्यक्रम किया गया मेरा नहीं था, मेरे समाज के सभी लोगों का कार्यक्रम था और उन युवाओं को प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम था कि उससे जागरूक हों और वो ऐसे समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए कार्य करें। तो चलिए मेरे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर जरूर कर देना, जिससे कि मैं ऐसे ही लोगों से और ऐसे ही समाज से जुड़े कार्यों से आपको। नमस्कार।
हमारे बीच मनोज गुप्ता जी जिन्होंने नगर पालिका परिषद हैदराबाद में ये राजनीतिक है ना, ये धार्मिक है ना ये सामाजिक है, बल्कि पारिवारिक कार्यक्रम है और हम परिवार की भावना से ही यहाँ पर सब आए हैं। ये हमारा वैश्विक बहुत बड़ा परिवार है, उस पारिवारिक भावना को महत्व देते हुए हम सब लोग यहाँ आए। आप समझते हैं यहाँ पर जो चेयरमैन उपस्थित हैं वो अधिकांश या सब। मैंने उस दिन भी वैश्विक समाज की सभा में कहा था, एक बीज बोया था उसका पेड़ आज हम सब लोग देख रहे हैं, उसकी छाया हम सब लोग ले रहे हैं, उसमें हम सबको आप सबको पानी डालना है। आप सब लोगों ने उसमें कई अनुसार पानी डाला जिससे वो फूल और अच्छा खिला और आज बहुत अच्छा खिल रहा है। लेकिन इसके अलावा कि हमें वो काम करने हैं जो हम तो चले जाएंगे तो कोई 8-10 साल में सबकी जाने का नंबर आएगा, लेकिन हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो कम से कम परेशान ना हो। तो हमें ये सोच के अपने मेरे से एकता एकजुट होके इन्हीं के चुनाव में काम है, हमें एकजुट होकर ये दिखाना है कि हम लोग अग्रवाल वगैरह सभी वैश्य सबों ने समर्थन करा, मुझे इतनी वोटों से अधिक से जिताया कि वैसे जितने हैं ना उससे 2.5 गुनी वोट मिली है। तो आप वैश्यों में वो ताकत है कि जो कि 3,000 वैश्य होने के बाद 8,500 वोट मिल गए मुझे, ये वैश्यों की ताकत है। इस ताकत को बरकरार रखनी चाहिए और धन्यवाद। भाजपा रहे हैं, पिछली बार रिजल्ट गड़बड़ा गए थे लेकिन इस बार जनता ने काफी सुधार किया है और एक बार फिर से प्रदेश में योगी जी और माननीय मोदी जी का परचम न केवल जहांगीराबाद नगर में रहा है बल्कि हमारे बुलंदशहर में दीप्ति जी भी रिकॉर्ड वोटों से विजयी हुए। इस बार
लोगों में चेतना अधिक है, विकास के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और ऐसी आशा की जाती है कि जो प्रेमी उनके किसी काम आ सके। भारत माता की, भारत सबका आशीर्वाद मिला है मुझे कि मैं उसके लिए सभी की बहुत आभारी हूँ। यहाँ से मेरे बच्चे ये संकेत, प्रतीक, दीदी, जीजाजी सभी लोग आते थे चुनाव में प्रचार के दौरान, तो सबका मुझे इतना सहयोग मिला है, आशीर्वाद मिला है, उसके लिए मैं उन सबकी बहुत आभारी हूँ। मैं यहाँ 22 साल से आ रही हूँ, मेरी ननद है। इसी तरह मैं उसी श्रृंखला में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर अपने नगर का विकास करूं, सर्व सभी समाज का अपने नगर में बिना भेदभाव किए मैं विकास करूं और करूंगी, और इसके लिए मैं आप सबका आशीर्वाद चाहूंगी बड़ों का। बाकी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं।